डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक गांधी जिन्ना डॉक्स, शिमला कॉन्फ्रेंस और जनरल इलेक्शन 1945-46 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है गांधी जिन्ना डॉक्स। जब सीआर फार्मूला नाकामी का शिकार हुआ तो एक दफा फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीडर्स के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। ये मुज़ाकरात मोहनदास करमचंद गांधी जी और आलियास मोहम्मद अली जिन्ना के नाम शुरू हुए। कहा जाता है कि एक अहम डेट है, दैट इज 17 जुलाई 1944, जब गांधी ने आलियास के नाम एक खत लिखा और खत में उसने मुलाकात का इजहार किया तो आलियास ने उनकी इस बात से इत्तेफाक किया, लिहाजा दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलियास की रिहाइश का मलाबार हिल्स मुंबई में मुलाकात शुरू हुई। हिस्ट्री में गांधी जिन्ना टॉक्स को कुछ खास पॉइंट से याद किया गया है। वो ये कि इस मीटिंग्स ये जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 9 सितंबर से और ऑनवर्ड चलता रहा 27 सितंबर 1947 तक, तकरीबन 18 डेज ये मीटिंग चलता रहा। और कहा जाता है कि इस 18 डेज में गांधी और जिन्ना के दरमियान टोटल 14 पर्सनल मीटिंग्स हुई। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 21 लेटर्स का तबादला हुआ, जिसमें कहा जाता है कि इस 21 लेटर्स में से 11 लेटर्स आलिया आजम ने गांधी के नाम लिखे थे और 10 लेटर्स गांधी ने जिन्ना के नाम लिखे थे। मकसद क्या था? दोनों रहनुमाओं का अपना स्टांस रहा। जिन्ना आलिया आजम को कन्विंस कर रहा था कि आप हमेशा यूनाइटेड इंडिया की बात करें, लेकिन जिन्ना ने ये इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं, हम ब्रिटिश इंडिया में एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट्स चाहते हैं पाकिस्तान के नाम से। तो लिहाजा दोनों का अपना अपना मौकिफ था। गांधी यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहा था, आजाद सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की बात कर रहा था। तो इस वजूहत के बिना पर दोनों की ये मुज़ाकरात जो थे वो नाकामी का शिकार थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है? शिमला हिंदुस्तान में एक हिली एरिया है, बहुत खूबसूरत जगह है। और स्टूडेंट मैं आपको ये भी बताऊं, जिस तरह हमारे यहाँ कागान है, सवात है, जो बहुत सी खूबसूरत नादर एरिया है, इसी तरह शिमला भी हिंदुस्तान में एक खूबसूरत हिली एरिया है। जो लीडर्स वहां आते थे, ब्रिटिश थे, वो यहाँ आकर यहाँ आबाद होते थे और इस एरिया को पसंद करते थे। तो एक दफा फिर शिमला में एक कॉन्फ्रेंस मनाई हुई। इस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक मकसद था वो क्या था? इससे पहले लॉर्ड मेलबर्न ने एक स्टेप उठाया ताकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर्स को इकट्ठा किया जाए और हिंदुस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाए और हिंदुस्तान के तमाम मसाइल को हल किया जाए। इस मकसद के लिए लॉर्ड मेलबर्न ने 25 जून 1945 को मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीडर्स को शिमला बुलाया। मकसद क्या था? जो वही मकसद की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हम इंडिया के लिए एक आईनसास कानून बनाते हैं। इसमें उस वक्त के लीडर्स लॉर्ड मेलबर्न ने कुछ प्रपोजल्स पेश किए। वो प्रपोजल्स क्या थे? उसने ये कहा था मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को कि हम जो गवर्नर जनरल है, हम इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं, लेकिन इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल और डिफेंस मिनिस्टर दोनों ब्रिटिश गवर्नमेंट से होंगे, बाकी जितने भी लीडर्स हैं हम इसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस से मुंतखब करेंगे। जब और लीडर्स के मुंतखब होने की बात आ गई तो कांग्रेस ने कहा कि हिंदुस्तान में हम सबसे मेजॉरिटी है, हमारी पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, हम तमाम ब्रांच का इंतखाब खुद करेंगे। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, जो मुस्लिम लीडर्स का इंतखाब होगा इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो मुस्लिम लीग खुद करेगी। लिहाजा इन दोनों की आपस में इख्तलाफात की बिना पर मुस्लिम लीग में भी इख्तलाफात थे। जैसे पंजाब लिबरलिस्ट पार्टी का सरबराह हिजर हयात तवाना, वो भी कह रहा था कि हमें भी रहनुमाई हासिल है, हमें भी इस कॉन्फ्रेंस में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स में हिस्सा लिया जाए। तो लिहाजा मुस्लिम लीग और कांग्रेस
दोनों की तंगनजरी की वजह से ये शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी का शिकार बना। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज जनरल इलेक्शंस 1945-46। ये एक बहुत अहम हिस्टोरिकल इवेंट है मुसलमानों के लिए। कहा जाता है कि दिसंबर 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट्रल इलेक्शन का ऐलान किया, जिसमें टोटल हिंदुस्तान से ब्रिटिश इंडिया से 100 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। उस 100 सीट्स में से मुस्लिम लीग को मिले 30 सीट। जब इलेक्शन खत्म हुआ तो मुस्लिम लीग की जो 30 सीट्स थी रिजर्व सीट वो मुस्लिम लीग ने ऑल एनआर जीते, 30 के 30 जीते और रिजल्ट आया 100%, जो कि हिस्ट्री में पास्ट में भी अब भी भविष्य फ्यूचर में भी एक वर्ल्ड हिस्ट्री में शुमार होगा कि मुस्लिम लीग ने 100% कामयाबी सेंट्रल इलेक्शन में हासिल किया था। उसके बाद कुछ वक्त गुजर गया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल इलेक्शन का ऐलान किया। ये इलेक्शंस 11 प्रोविंसेस में उस वक्त हुआ था। वो 11 प्रोविंसेस जिसमें अहम प्रोविंसेस पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, एनडब्ल्यूपी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह थे। ये इंतखाबात मुनक्किद हुई फरवरी 1946 में। इस इंतखाबात में मुस्लिम लीग के पास इन तमाम प्रोविंसेस से टोटल सीट्स थे 495 और इस 495 सीट्स में से मुस्लिम लीग ने जीती 439 सीट्स, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और जो रिजल्ट आया दैट वाज 89%। ये रिजल्ट तकरीबन आया था 89%। अब जैसे ही ये रिजल्ट आया तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान बनने के चांसेस और भी वाज़ेह हो गए, क्योंकि हिस्ट्री में जनरल इलेक्शंस 1945 और 46 को पाकिस्तान सास इंतखाबात का नाम दिया गया। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो कि मुसलमानों ने कादियाज़म रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में हासिल की, सेंट्रल इलेक्शन में भी और प्रोविंशियल इलेक्शन